सियालकोट से खबर शामिल करते हैं, जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मेंबर सूबाई असम्बली शकीला जावेद आर्थर ने कहा है कि मसीह खवातीन के हकूक की बहाली के लिए मरियम नवाज पर अजम है। खवातीन के बुनियादी मसाइल के हल के लिए जद्दोजहद उनकी अवलीन तरजीहात हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अकलियतों के हकूक के तहफ़ और हकूक की बहाली के लिए जद्दोजहद इकदाम किए हैं, उससे पूरी कौम बखूबी आशना है। पंजाब में क्रिश्चन हस्पतालों पर खसूसी तवज्जा देने के लिए मनसूबा साजी की जा रही है, जिस पर जल्द अमल दरामद मुमकिन है। सेहत के मसीही इदारों में बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी को यकीनी बनाया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मारूफ मिशनरी इरफान डैनियल के रिहाइश का नॉल मोड पर उनके एजाज में दिए गए जहराने की तकरीब से गुफ्तगु करते हुए की। कबल अज़ीज़ शकीला जावेद आर्थर की आमद पर इरफान डैनियल की फैमिली ने उन्हें रिवायती अंदाज में चादर का तोहफा दिया और उन्हें फूलों की माला पहनाई गई। इनके हमरा मारूफ सियासी रहनुमा डॉक्टर शाहिद परवेज, खुरम शहजाद, फैसल साहब, जर्नलिस्ट जावेद गुल, रियाज भट्टी, आसिफ नासिर, पास्टर साहबान, मारूफ तबला नवाज, नदीम खान और दीगर इस ज़ियाफ़त में मौजूद थे। शकीला जावेद आर्थर ने इरफान डैनियल से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि हमने मिलजुल कर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना अपना किरदार अदा करना है और मौजूदा हुकूमत को मजबूत से मजबूत बनाना है, और जो ज़ियाफ़त में प्यार मोहब्बत नजर आई है वो याद रखी जाएगी।